नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, विद्युत विभाग राजस्थान टेक्निकल हेल्पर ग्रेड थर्ड मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो सही से किस हिसाब से उनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में कौन कौन से उसके पेज आपको साथ में लेके जाने हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, यानी कि एग्जाम सेंटर पर जब आप जाते हो तो कौन कौन सी चीजें आपको साथ में लेके जानी है और कौन कौन सी चीजें साथ में नहीं लेके जानी, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो, आराम से अच्छी तरीके से आप अपना एग्जाम में उसको अटेंड कर सको। डिटेल में अपन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी प्रकार के जॉब के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन में समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होने चाहिए, दूसरी चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ ये मांगेंगे। ये दोनों पुटअप करने के बाद में यहां से आप लॉग इन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो पहला एग्जाम हुआ था उसके एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएंगे और फॉर्म पर भी मिल जाएंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पुटअप करने के बाद में आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाओगे। जैसे कि एक बच्चे का एडमिट कार्ड मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, बस सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाइड किया है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस एडमिट कार्ड के कौन कौन से पेज आपको साथ में लेके जानी है। तो बच्चों, इस एडमिट कार्ड के सभी पेज आपको साथ में लेके जानी है। इसके अंदर टोटल 3 पेज है, ठीक है। देखिए, पहला जो पेज है आपका एडमिट कार्ड से संबंधित है, ठीक है, जिस पे आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हुए हैं। और उसके बाद में आपका आएगा यहाँ पे पहचान पर्ची, ठीक है, पहचान पर्ची है तो ये भी आपको साथ में लेके जानी होगी। ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन स्टेपल करके साथ में लेके जाना कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई डिजीज नहीं है इसके लिए, तो ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जितनी भी मैंने चीजें बताई आपको साथ में लेके जानी है। अब देखिए, अपन और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एडमिट कार्ड है इसमें यहाँ पे पहले से आपका जो फोटो लगा हुआ है इसके ऊपर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, कलर फोटोग्राफ, वो यहाँ पे आपको लगाना होगा, विजिबल होना चाहिए। एक जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ पे जो साइज दिया वही हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में फॉर्म भरते टाइम जो आपने फोटो लगाया था वो है तो सबसे बेस्ट है, वरना उससे मिलता जुलता आपका खुद का फोटोग्राफ कोई सा भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस पहले आपने फॉर्म के टाइम में जो आपने फोटो लगाया वो फोटो सेम लगाते हो तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, वो चीज है। एक चीज ध्यान रखना, फोटो यहाँ पे लगाने के बाद में क्रॉस में उस पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, आपके जो सिग्नेचर है वही करने, ध्यान से। कुछ सिग्नेचर आपका फोटो के ऊपर आना चाहिए और कुछ सिग्नेचर का भाग है वो फोटो से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी फोटो की। उसके बाद 27 तारीख को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका एग्जाम है, लेकिन वहां पर उपस्थित होने का जो टाइम है वो 10 बजे का है। 11 बजे के बाद में आपकी एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी, यानी कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में एग्जाम सेंटर पे आपको उपस्थित होना ही होना है। 2 घंटे पहले का इन्होंने इसलिए टाइम दिया दोस्तों, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह वहां पे करते हैं, कुछ चीजों के बारे में सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ चीजें चेक करते हैं तो वहां पे टाइम लग जाता है जब भीड़ होती है। तो आपको 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में एग्जाम सेंटर पे उपस्थित होना है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटे आपका एग्जाम रहने वाला है। अच्छे तरीके से आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देख लेना, और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको जरूर देख लीजिए, हो सके तो उसके नजदीक ही आपको ठहरना है। उसके बाद में बात आती है सिग्नेचर करने की। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सिग्नेचर पहले करने हैं या फिर एग्जाम में करने हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, परीक्षा के समय निरीक्षक की उपस्थिति में आपको हस्ताक्षर करने हैं, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे आपको अपना अंगूठा लगाना है। यहाँ पे सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, जो एग्जाम जो आपके परीक्षा के अंदर जो टीचर होगा वो यहाँ पे खुद के सिग्नेचर करेगा। उसके बाद देखिए, परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। तो निर्देशों के अंदर सबसे पहली चीज़ आपका ये जो एडमिट कार्ड है इसके
साथ में आपको एक फोटो लगा हुआ पहचान पत्र लेके जाना है। पहचान पत्र कौन कौन सा वैलिड है देख लीजिए, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वोटर कार्ड है, फोटोयुक्त बैंक पासबुक है, आधिकारिक लेटर पैड पर राजपत्रित अधिकारी से लिखा हुआ कोई पहचान पत्र भी चलेगा, कॉलेज की आईडी है, यूनिवर्सिटी की आईडी है, आधार कार्ड है, ठीक है, ई आधार कार्ड है, कर्मचारी पहचान पत्र है, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र आप साथ में लेके जा सकते हो। राशन कार्ड आपका नहीं चलेगा और उसके बाद में जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आप जो आईडी लेके जाते हो वो आपको मूल आईडी लेके जानी है और उसकी आपको एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई जो इन्होंने मेन चीजें बता रखी है। उसके बाद में देखिए ये जो आपकी पहचान वाली पर्ची है, ये पर्ची क्या होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी ताकि उनको पता चले भी हाँ बच्चे ने एग्जाम दिया, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानकारी है, यहाँ पे परीक्षा का जो टीचर है उसकी जानकारी, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये आपको वापिस साथ में लेके आना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दे रखी है जिनकी वजह से कोई बच्चा उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखता है और लापरवाही बरतता है तो एग्जाम से भी वंचित रहना पड़ सकता है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद में उसको दिक्कत हो सकती है। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए भी आपका एडमिट कार्ड है और उसके साथ में आपका कोई भी एक पहचान पत्र जिसपे फोटो लगी हो, जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई एक पहचान पत्र उसकी फोटोकॉपी एडमिट कार्ड के साथ में स्टेपल कर लेनी है और मूल जो आपका पहचान पत्र है उसको भी साथ में लेके जाना है। अब देखिए आपका फोटो है वो रंगीन लगा होना चाहिए एडमिट कार्ड पे। एक आपको पेन लेके जाना है जो कि बॉल पेन हो, यानी कि आपका जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कुछ रफ वर्क वगैरह करने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, तो नीला आपका पेन होना चाहिए, पारदर्शी आपका पेन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपकी पहचान पत्र के बारे में आपको बता ही दिया, उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर 50 मिली का इन्होंने बताया, तो आप लेके भी जा सकते हो और नहीं लेके जाओ तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको वहां पे एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, बस आपकी सेफ्टी के लिए यहां पे ये चीजें बताई गई है। तो हैंड सैनिटाइजर लेके जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लेके जाओगे तब भी कोई बात नहीं है ना। पानी की जो बोतल है, आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो लेके जा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना फेस मास्क वो आपको जरूर लेके जाना है। उसके बाद में स्वघोषणा पत्र है वो भी आपको लेके जाना है, स्वघोषणा का पत्र आपका ही है और ये किससे संबंधित है, भी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है वो चीज है। तो यहां पर जितने भी कॉलम दिए गए उन सब में आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। आपको अपने घर पे ये जो फॉर्म है इसको कंप्लीट भर लेना है, यहां पे आपको अपना नाम लिखना है, यहां पे रोल नंबर है, उसके बाद में एग्जाम की डेट है, सेंटर है और सिग्नेचर, ये सब चीजें कंप्लीट आपको घर से ही कर लेने, उन सभी में आपको क्रॉस क्रॉस करना है, वरना आपको एग्जाम में थोड़ा सा टाइम वो वेस्ट कर सकते हैं ना, उनको कोई भी किसी प्रकार के डीजी से संबंधित डाउट होता है। तो अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इन्होंने बता रखा है अभी 2 घंटे पहले आपको जाना ही जाना है, लेकिन कौन सी चीज पहन के जानी है और कौन सी नहीं वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। जो पुरुष परीक्षार्थी है उनको क्या करना है, भी हाफ बाजू का शर्ट है या फिर हाफ बाजू की टी शर्ट है वो पहन के जा सकते हैं, हाफ बाजू का कुर्ता वो पहन के जा सकते हैं, उसके बाद नीचे पेंट है, पायजामा है वो पहन के जा सकते हो, हवाई चप्पल है, स्लीपर चप्पल है वो आपको पहन के जानी है, जूते वगैरह आपको नहीं पहन के जाने। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए आदि माह का जो सलवार सूट है वो आप पहन के जा सकते हो, साड़ी पहन के जा सकते हो, चप्पल वगैरह स्लीपर है वो पहन के आप जा सकते हो। उसके बाद में ध्यान रखना बालों में साधारण आपको रबड़ लगा के जाना है, बाकी बड़ी चीजें आपको बालों के अंदर कुछ भी नहीं लगानी है, खास तौर से मेटल की, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद ध्यान रखना चूड़ियों के अंदर आपको क्या कि मेटल जैसी कोई भी चूड़ी आपको नहीं पहननी है, जैसा कि इन्होंने बता रखा है भी लाख वगैरह की कांच की चूड़ियां वो आप पहन के जा सकते हो। उसके बाद में कोई भी आपके पास में किसी भी प्रकार की घड़ी है, धूप का चश्मा है, बेल्ट है, हैंडबैग है, हेयर पिन है, गड्ढा, ताबीज, कैप, हेड स्कार्फ, स्टोल, इनमें से कोई भी चीज आपको पहन के नहीं जानी है। खास तौर से जो रिंग वगैरह होती है, जो चेन वगैरह होती है मेटल्स की, है ना, जो आभूषण वगैरह होते हैं वो सब आपको उतार के जानी है, वरना एग्जाम सेंटर पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है वो सब नॉर्मल है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इन सब चीजों के बारे में एग्जाम में जाने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए। आज ये जो चीजें बता रखी है उन्हीं मेटल वगैरह की, इन सब के हिसाब से खुद को तैयार कर लेना, रिंग वगैरह, आपकी चेन वगैरह जो भी है, सोने के आभूषण वगैरह, उनको निकलवा देना है, एडमिट कार्ड भी फोटो लगा के अभी तैयार कर लेना है और आपको जो स्व घोषणा पत्र है इनको आज ही आपको फिलअप करके रेडी करके छोड़ देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।